हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम ये जूट का डोरमेट बनाएंगे। इसका डिज़ाइन देखकर आपको लग रहा होगा कि इसे बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसे बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले चारों किनारों से 1.5 या 2 इंच छोड़कर आप लाइन ड्रॉ कर ले, इसी के अंदर हम डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले मैं लाल रंग के ऊन का यूज़ कर रही हूँ। मैंने कोई मेज़रमेंट नहीं लिया है, बस अंदाजे से आधा आधा इंच की दूरी पे आपको धागे को ऊपर और नीचे लाना है। आधा इंच धागे को बॉडी के ऊपर रखेंगे और फिर नीचे से निकालेंगे। बहुत सिंपल है ये। इसी तरह हमें पूरी लाइन बनानी है। आप चाहे तो चौक से ड्रॉ भी कर सकते हैं, मैं बस अंदाजे से बना रही हूँ। लाइन थोड़ी छोटी बड़ी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये डोरमेट है, डिज़ाइन जब बन जाएगा तो उतना पता नहीं चलेगा। ये पूरा डिज़ाइन 5 लाइनों का होता है। ये लाल रंग की लाइन पूरी हो गई। दूसरी लाइन अब हम ग्रीन कलर से बनाएंगे। अब हम ग्रीन कलर से डिज़ाइन बनाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमने जहाँ लाल रंग का ऊन लगाया है, ग्रीन कलर उसके सामने नहीं, बिल्कुल अपोजिट आएगा। जहाँ लाल रंग धागे के नी धागा लाल रंग का धागा जहाँ बोरी के नीचे है, वहाँ ग्रीन कलर का धागा ऊपर रहेगा। इसी तरह हमें 5 लाइनें बनानी है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से बन जाता है, बस थोड़ा देखते रहे, और नहीं तो आप चौक से मार्क कर लीजिए तो और भी आसानी से बन जाएगा। लाल के सामने हमें ग्रीन को भी नहीं रखना है। अभी लाल धागा ऊपर है तो हमें ग्रीन धागे को नीचे लाना है। अब हम ग्रीन को ऊपर लाएंगे। इसी तरह से हमें बारी बारी से, एक बार लाल की लाइन बनेगी, एक बार ग्रीन की लाइन बनेगी। इस तरह हमें 5 लाइनें बना लेनी है। हमने 5 लाइनें बना ली हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, 5 के बाद हमें फिर 5 लाइनें बनानी हैं, लेकिन जो छठी लाइन होगी वो बिल्कुल आमने सामने बनेगी। जो लाल रंग का हमने धागा लगाया है तो हरे रंग का धागा भी बिल्कुल उसके सामने ही लगना है, तभी जाकर डिज़ाइन बन पाएगा। तो इसके बराबर में ही ग्रीन धागे से भी बिल्कुल उसी तरह से, इसी तरह से हमें डिज़ाइन बनाना है। इसी तरह हमें पूरी लाइन बना लेनी है। ग्रीन के बराबर, ग्रीन जो है वो रेड के बराबर ही बनेगा। जब हम फ्रॉक वगैरह में ये डिज़ाइन बनाते हैं तो हमें छोटा रखना होता है, तो हम 4थी 5वीं लाइन को इस तरह से बराबर कर लेते हैं तो डिज़ाइन छोटा बनता है। ये चूँकि मुझे डोरमेट पे बनाना है, इसलिए मैंने 5वीं और 6ठी लाइन को एक साथ रखा है। अब 2 लाइनें बराबर हो गई हैं तो फिर से हमें एक दूसरे के अपोजिट ही बनाना है। इस बार मैं रेड कलर का ऊन यूज़ कर रही हूँ। अब हम रेड से डिज़ाइन बना रहे हैं। लाइन को आप ध्यान से गिन लीजिए। जो हमने शुरू से बनाई है 5वीं लाइन रेड से ख़त्म होती है और फिर से ग्रीन से शुरू होती है, तो ग्रीन हमारी 6ठी लाइन हो गई और 7वीं हमारी रेड है। इस तरह से 10वीं लाइन के बाद फिर से जब 11वीं लाइन बनेगी तो फिर से दोनों डिज़ाइन आमने सामने बनेंगे। बस इस डिज़ाइन में इतना ही है। साइड से भी हम ऐसे ही बनाते हैं और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसी तरह से बनाना है, चाहे आप कितना भी बड़ा बनाएं या फिर छोटा बनाएं। बस हमें 5 लाइन के बाद अगली लाइन का ध्यान रखना होता है। हमने 8 लाइनें बना ली हैं। 5 के बाद एक लाइन हमने बिल्कुल आमने सामने बनाई है और रेड 6ठी लाइन, 7वीं और ग्रीन 8वीं लाइन, 2 लाइनें और बनेंगी, फिर आमने सामने का डिज़ाइन बनेगा। वैसे ये डिज़ाइन एक कलर में ही बनता है, आपको आसानी से समझाने के लिए मैंने इसमें 2 कलर का यूज़ किया है।
हमने 10 लाइनें बना ली हैं। पांचवी लाइन के बाद छठी लाइन हमने बराबर में बनाया है और अब 10 लाइन बन गए हैं, तो जो 11वीं लाइन बनेगी वो भी बिल्कुल बराबर में बनेगी। जो 10वीं लाइन है उसी की जैसी 11वीं लाइन भी हमें बनानी है। ये लाइन हम पूरा कर लेंगे, उसके बाद से फिर से हमें अपोजिट में बनाना है। इसी तरह ये डिज़ाइन बनेगा और पूरा हमें इसी तरह बना लेना है। जब हम साइड से बनाएंगे तो भी यही पैटर्न चलेगा और डिज़ाइन पूरा बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। इसे पिलो कवर वगैरह में भी बना सकते हैं। इसे हमने पूरा बना लिया है, अब साइड से हम बनाएंगे, बिल्कुल इसी पैटर्न में बनेगा। अब मैं साइड से बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बिल्कुल उसी तरह से एक बार धागा ऊपर और एक बार धागा नीचे जाएगा। अभी धागे को हमने ऊपर रखना, अब हम नीचे रखेंगे, फिर धागा ऊपर जाएगा और इसी तरह से बनता जाएगा। ये मैं ऊन से बना रही हूँ, ऊन बिल्कुल सिंपल जो स्वेटर बनाने में यूज़ करते हैं वही है। अब हम ग्रीन कलर से डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। ग्रीन कलर बिल्कुल लाल कलर के अपोजिट बनेगा। जहाँ पे लाल कलर का धागा ऊपर है वहाँ ग्रीन कलर का नीचे रहेगा, और जहाँ लाल कलर का धागा नीचे है वहाँ ग्रीन कलर का ऊपर रहेगा। जो लाइन हमने अभी बनाई है रेड कलर से, ग्रीन उसके बिल्कुल अपोजिट बनाएंगे। पांच लाइनों तक हमें ऐसा ही बनाना है, उसके बाद छठी लाइन बराबर में बनाएंगे जैसे हमने अभी बनाया था। उसी तरह से साइड का डिज़ाइन भी बिल्कुल उसी पैटर्न में बनेगा। इसी तरह से हमें पूरा बना लेना है। अब देखिए डिज़ाइन बनना शुरू हो गया। बस इसी तरह बनाते जाएंगे और हमारा डिज़ाइन बनकर पूरा तैयार हो जाएगा। हमने पांच लाइनें बना ली हैं, अब छठी लाइन हम बिल्कुल बराबर में बनाएंगे। जो रेड कलर से हमने बनाया है अभी जो लाइन, ग्रीन बिल्कुल उसी के बराबर में बनेगा। इस तरह डिजाइन के बीच वाला भाग इस तरह से बिल्कुल पूरा हो जाएगा। ये देखिए डिज़ाइन अपने आप बनता जा रहा है। ये लाइन हमने दोनों बराबर बनाई है, अगली लाइन से हमें अपोजिट बनाना स्टार्ट कर देना है। अब हम रेड कलर से डिज़ाइन बनाएंगे। अब हमें ग्रीन के अपोजिट बनाना है। अगर आप पांच लाइन के बाद छठी लाइन का ध्यान रखेंगे तो डिज़ाइन कभी भी गलत नहीं होगा। इसी तरह हमें पूरा बना लेना है। अगर आप चाहें तो चौथी और पांचवी लाइन को भी एक बराबर में बना सकते हैं, इससे डिज़ाइन छोटे छोटे बनेंगे। हमने 15 लाइनें बना ली हैं, ये 16वीं लाइन है जो बिल्कुल बराबर में चलेगी। और हमारा जो पैटर्न है वो पूरा हो रहा है। अब अगली लाइन जो हम बनाएंगे रेड से वो हमें अपोजिट में बनानी है। हमारा डिज़ाइन पूरा हो गया है। डोरमेट के नीचे लगाने के लिए मैंने पुराना कपड़ा लिया है। रेड कलर का कपड़ा मैंने 4 इंच का लिया है। इस तरह से इसको सिल सकते हैं, मशीन भी चल जाएगी। मैंने नीचे मशीन से सिलाई की है और इसे हाथ से भी सिल सकते हैं। इस तरह से ऊपर मोड़ते हुए
इसको हैंड स्टिच कर सकते हैं या फिर मशीन से भी आप 16 या 18 नंबर की सुई से उसको स्टिच कर सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा डोरमेट बन चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।